चलिए अब ये लोग अंदर जा रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली मेरा काम हो जाना चाहिए। हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही सुबह के 10 बजे और अभी हूँ मैं अपने बालकनी में और आज मौसम पूरा बारिश वाला हो रखा है और आज ही मुझे जाना भी है। मेरा एक अपॉइंटमेंट है अजंतिया इंतराते के साथ, जो मेरा कोडिक फिस्काले बना हुआ था ना, तो वो जनरेट तो हो गया था बट उसका फिजिकल कार्ड कब तक आया उसका कोई मेल नहीं आया। हालांकि विद इन अ वीक आ जाता है बट एक हफ्ते लगभग होने को आया, कोई अपडेट आया नहीं है। जस्ट उसका एक अपडेट लेने के लिए जाना है। बिल्कुल रेडी हो गया हूँ और जो यहाँ से बस का टाइमिंग है 12:20 का है और अभी करंट में बज रहा है 12, तो मेरे पास 20 मिनट टाइम है, तो इस 20 मिनट में चलिए ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अभी मेरा यहाँ काम हुआ नहीं है क्योंकि मैं अंदर गया, देखा सब कुछ बंद था क्योंकि इनका लंच टाइम चल रहा था। अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि मैं वेट करूँ या फिर किसी और दिन का अपॉइंटमेंट लेकर बाद में आ जाऊँगा, क्योंकि इसलिए मैं डाउट में हूँ क्योंकि अगर मैं वेट करा किसी और का अपॉइंटमेंट हुआ लंच के बाद तो फिर वो उनको करेंगे, मेरा करेंगे नहीं क्योंकि मैं अपॉइंटमेंट टाइम मिस कर चुका हूँ। फ्रेंड्स, अभी यहाँ से मैं वापस हो रहा हूँ और मेरा काम नहीं हुआ है, चलूँ वहाँ से मिल्क वगैरह लेना है। बट अच्छी बात ये है कि बस सामने मेरे को दिख रही है तो फटाफट बस में बैठ जाते हैं। फ्रेंड्स, अभी मैं बस से उतर गया हूँ और जा रहा हूँ थोड़ा मिल्क्स वगैरह लेने के लिए और आज अंदर चलते हैं इस पार्क के अंदर खूबसूरत है तो देखते चलते हैं, क्योंकि ये अंदर वाला रास्ता मैं लास्ट टाइम आया था जब तो देखा था वहाँ से निकल जाता है जहाँ मेरे को जाना है। अंदर ही चलते हैं, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ब्यूटीफुल, ये देखिए फ्रेंड्स, ये पार्क बहुत ही खूबसूरत है। अभी मैं पूरा घूमा तो नहीं बट बस किनारे किनारे ही जा रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर जाकर ही ये बाहर निकलता है एक रास्ता, जो कि जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है वहाँ निकल जाता है। तो यहाँ से ही खूबसूरत है, पूरा घूमने में कितना खूबसूरत होएगा। बहुत लोगों से मैंने सुना है कि ये बहुत खूबसूरत है पूरा अंदर जाकर, तो कभी और आएंगे यहाँ का प्लान करते हैं और प्रॉपर एक्सप्लोर करेंगे। फ्रेंड्स, अभी यहाँ से एग्ज़िट कर रहे हैं पार्क से और वो सामने जो कोनेट लिखा हुआ है ना वही है। और यहाँ पर एक चीज़ मैंने नोटिस करी है ना कि यहाँ पर जितने कॉम्प्लेक्स शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होते हैं, जैसे अपने इंडिया में क्या होता है ना कि पूरे वो होर्डिंग्स लगे लगता है कि हाँ यही है एंट्री वगैरह है, प्रॉपर शोबाजी होती है थोड़ा तो, लेकिन यहाँ पर पंगा ये है कि यहाँ पर कुछ पता ही नहीं लगता है। लाइक ये देखिए, ये है ना कोनेट, अब एक आम आदमी रहेगा तो जा ही नहीं पाया क्योंकि इसे पूरा ऐसे बंद है। फ्रंट ये है बट यहाँ से कुछ दरवाज़ा वगैरह नहीं है, शटर वटर सब गिरा हुआ है और जाने के लिए हमें बैक साइड जाना होगा। देख रहे हैं, लास्ट टाइम जब मैं आया था मेरा फर्स्ट टाइम था, मुझे पता नहीं था और मैं वापस जा रहा था। ये पूरा पार्किंग दिख रहा है आपको, अब यहाँ पार्किंग में ऐसे घूमते घूमते आया, फिर यहाँ देखा था ये बास्केट्स वगैरह दिखे, फिर आगे जब गया तो फिर ये जाके एंट्रेंस देखा, मैं कहो ही एंट्रेंस है यहाँ से। ये देखिए एंट्रेंस ये रहा, यहाँ से हम एंटर करेंगे और जाकर शॉपिंग वॉपिंग कर सकते हैं। सो सबसे पहले मुझे जो लेना है वो है मिल्क, वेयर इज द मिल्क। फ्रेंड्स, अभी मैं बस स्टॉप पर आ गया हूँ और बस का इंतज़ार कर रहा हूँ, अगले 8 मिनट में हमारी बस आ जाएगी। और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से यहाँ तक जो सामान लाने में हालत ख़राब हुई है ना, मैं क्या ही बताऊँ। ये
6 लीटर का दूध हो गया और 12 लीटर पानी, टोटल 18 लीटर हो गया। और यहाँ से कॉपिंग कॉम्प्लेक्स लगभग 300 मीटर है, तो लाने में तो पूरा हाथ दर्द हो गया है। फ्रेंड्स, लंच करने के बाद मैं एडिटिंग करने लग गया था और एडिटिंग करने में मुझे 2 घंटे लग गए। बट अच्छी बात ये है कि एडिटिंग मेरी पूरी कंप्लीट हो गई है, थंबनेल वगैरह भी क्रिएट हो गए हैं और अपलोड के लिए मैंने लगा दिया 15-20 मिनट अपलोड हो जाएगा। और आई डोंट नो क्यों आज बहुत ज़्यादा थकान लग रहा है, आँखें पूरी जल रही है, जैसे लग रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा काम किया। थोड़ा वेट उठाया है ज़रूर, लेकिन इतना भी नहीं है जितना फील हो रहा है मुझे। तो अभी चलिए चलते हैं, थोड़ा स्मूदी वगैरह बनाकर पीते हैं, उससे थोड़ा रिफ्रेशमेंट हो जाएगा और उसके बाद बैठ के जो हमने मॉर्निंग में पढ़ाई करा था उसे रिवाइज करेंगे, उसके बाद जल्दी से जल्दी जाकर सो जाएंगे। ये सब कुछ डाल दिया हमने, बस इसे लगा कर बस एक बार चलाना है, उसके बाद प्रॉपर स्मूथ हो जाएगा, फिर हमारा रेडी हो जाएगा स्मूदी। फ्रेंड्स, ये मेरी स्मूदी रेडी हो गई। ये बहुत ही टेस्टी लगती है, स्पेशली मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ यूज़ नहीं करता मैं, नॉर्मली सबसे मेन इन्ग्रीडियंट होता है मिल्क, उसके बाद काजू, किशमिश, पिस्ता, बादाम और अखरोट, ये ड्राई फ्रूट्स में हो गए। बाकी अगर आपके पास स्ट्रॉबेरी है तो वो टेस्ट को भी इन्हेंस कर देता है, है तो ठीक है, नहीं तो कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास केला हो तो एक केला डाल लीजिए। अगर आपको वेट लॉस का इशू हो, मतलब वेट ज़्यादा हो, तो केला मत यूज़ करिए, बाकी एप्पल यूज़ कर लीजिए, एप्पल को डाल दीजिए और बस इतना ही है। और चीनी कभी मत डालिए, चीनी की जगह हमेशा ये हनी यूज़ करिए। मैं हमेशा हनी यूज़ करता हूँ, इससे ये फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा करता है और ये टेस्ट भी इन्हेंस कर देता है, मतलब मीठापन भी आ जाता है। बाकी आप चाहें तो कुछ दलिया टाइप का कुछ डालना चाहे डाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं भी डालेंगे तो भी बहुत ही स्मूथ रहता है ये। फ्रेंड्स, अभी रात के 11:30 और अभी हमारी स्टडी भी फिनिश हो गई है, तो चलिए अभी सोते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।